अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, ये है मेरी सबसे छोटी भतीजी, इससे मिली है। इसका नाम है रूमेसा, तो हम इसे प्यार से ना रूमी रूमी बोलते हैं। तो ये बर्ड्स के साथ खेल रही है, देखो कितनी चंचल है, इसे कितना परेशान कर रही है बर्ड्स को। ये चीख रही हैं बर्ड्स, तो ये मान नहीं रही है। तो मेरे से बोल रहे चलो आप ऊपर चलते हैं, तो मैं इसे ऊपर घुमाने के लिए कुछ देर के लिए ले आई, क्योंकि अपनी मम्मा को भी परेशान कर रही थी। और इसे ऊपर आके ना इतना अच्छा लगता है, हरे हरे पेड़ों के पास ही इतना खेलती है ना, तो इस वजह से मैं इसको अपने साथ लेकर आ गई। इसे अकेला भी लेकर नहीं आ सकती थी, गिरने का डर था कि गिर भी ना जाए। तो देखिए यहाँ पर ना गुलाब का फूल दिख रहा है मुझे, अभी इसको तोड़ के दूंगी। तो यहाँ पर ना हर तरीके के पेड़ हैं, एलोवेरा है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ तो खैर नहीं है, एलोवेरा है, मनी प्लांट है, करी पत्ता है, नींबू का पेड़ है, हरी मिर्च का भी पेड़ है और गुलाब का भी पेड़ है। बाकी और लगाने बाकी हैं, जब मिलेंगे तो लगाएंगे। तो ये देखिए गुलाब है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। ये देख रही थी काफ़ी देर से कि आप तो मुझे गुलाब तोड़ के दो, मैंने मना कर दिया। लेकिन अगर मैं से मना करती, तोड़ के ना देती, तो ये ज़िद करती और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ के दे दिया। इतनी खुश हो गई देखिए गुलाब लेके। ये देखिए यहाँ पर ना ये कुछ और भी फूल वगैरह हैं, मुझे इनके नाम तो नहीं पता, पर ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये भी, ये तो इसको भी तोड़ने की ज़िद कर रही थी, वो तो मैंने इसको डांट के हटा दिया था कि मम्मा मारेंगी। तो ये सारे अम्मी पापा ने लगवाए हैं, सारे उनको पसंद है ये डेकोरेट करना, गार्डन टाइप में बना रखी है छत। अभी भी बहुत काम बाकी है, यहाँ पर सफाई वगैरह भी होनी है और कुछ जो सोफ़े वगैरह वो क्लीन होना है अच्छे से, तो बहुत काम बाकी है वो भी करना है। तो ये ना पापा का रूम है, जहाँ पापा नमाज़ पढ़ते हैं, कभी कभी हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है। देखिए जानवाज़ी बिछ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ की भी सफाई कर दूँ, तो मैं इसलिए इसके साथ आ गई थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।